हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। नियर अबाउट हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और सबके सब जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर मैंने फ्रीडम स्ट्रगल से ही लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेथड यूज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू अचीव सेल्फ रूल। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या तरीके थे आजादी लेने के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आजादी कांग्रेस की खासकर, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो तरीके थे आजादी के वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से ही वो आजादी लेना चाहते थे, जैसे कि पेटिशन भेजना, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना, गवर्नमेंट को लेटर्स देना, धरना प्रदर्शन करना, ब्रिटिश सामान को जला देना, बॉयकॉट करना, पब्लिक मीटिंग्स करना, सिविल डिसोबीडेंस करना। इस तरह के तरीके से नेशनल कांग्रेस के इनिशियली स्टार्टिंग में ये तरीके रहेंगे आजादी लेने के लिए। तो इस अगर ऑप्शन को हम देखें तो इसमें से ये जो डी ऑप्शन है ये कांग्रेस का तरीका नहीं था, ये बेसिकली गुरिला वारफेयर है। गुरिला वारफेयर क्या होता है, जहां पे छुप के अटैक किया जाता है, ये तरीका कांग्रेस का नहीं था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे या फिर स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो जो नहीं थे, नहीं की बात हो रही है, नॉट वर्ड है, तो आंसर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने तो ये स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पे तो वो साउथ अफ्रीका में थे। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट होती है, क्यों स्टार्ट होती है ये भी हमें बताना चाहिए। बेसिकली 1905 के टाइम पे लॉर्ड कर्जन ये जो थे, लॉर्ड कर्जन ये वाइसराय थे इंडिया में, तो इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो उसके उसके मतलब कि एज ए रिएक्शन में हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। इंडिया में कांग्रेस द्वारा पहली मूवमेंट जो होती है, जो मास मूवमेंट है, जहां काफी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, तो वो रहेगी स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या किया हमने, इस मूवमेंट में हमने लोगों को एनकरेज किया, बंगाल के लोगों को खासकर, कि ब्रिटिश सामान का बॉयकट करिए, ब्रिटिश सामान को हम यूज नहीं करेंगे, ब्रिटिश जो स्कूल्स बना रखे हैं, ब्रिटिश ने जो भी हमारे फैसिलिटीज बना रखी है, वो किसी तरह की फैसिलिटीज को यूज नहीं करेंगे। एक किस्म से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, तो जिससे ब्रिटिश को काफी नुकसान हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। वो कह रहा है इनमें से कौन सी डिमांड जो थी वो चंपारण सत्याग्रह का पार्ट नहीं था। तो यहां पे जो आंसर रहेगा वो है द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल। राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल ये डिमांड चंपारण की नहीं थी। अब हम सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब होता क्या है कि इंडिया में 1916 के टाइम है, तो 1916 के टाइम पे इंडिया में खासकर बिहार वाले शहर में, बिहार वाला जो एरिया है, वहां पे किसान काफी रिवोल्ट कर रहे थे। किसान जो है बिहार के चंपारण शहर के, वहां पे किसानों को फोर्स किया जा रहा था कि आप अपने खेतों पे इंडिगो उगाई, इंडिगो नील होती, नील को इंडिगो कहते हैं, बट वहां के किसान नहीं चाहते थे इंडिगो उगाना, क्योंकि इंडिगो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थी, क्योंकि वो आर्टिफिशियली बनना शुरू हो चुकी थी जर्मनी में। तो इंडिया के किसानों का कहना था कि अगर ये चीज नॉर्मली आर्टिफिशियली अवेलेबल है, तो हम अपने खेतों पर नील क्यों उगाएं। नील उगाने से एक तो जमीन खराब होती है, हमें कैश क्रॉप्स उगानी चाहिए या फिर हमें स्टेबल क्रॉप्स उगानी चाहिए, जैसे वीट हो गया या ग्रेन, वीट राइस वगैरह, ये चीज़ें उगानी चाहिए जो खाने काम तो है। बट ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स कल्टीवेटर, जो यूरोपियन कल्टीवेटर्स होंगे, वो फोर्स कर रहे थे इनको कि नहीं, आपको ये उगाना ही है। तो अब उसके बाद क्या होता है, राजकुमार शुक्ला करके एक पर्सन है, वो महात्मा गांधी को परसुएड करते हैं, मनाते हैं कि महात्मा गांधी आप एक बार चलिए और किसानों से बात भी करिए, ब्रिटिश से भी बात करिए, हमारे जो किसान हैं उनका ये मुद्दा सॉर्ट आउट करिए। अब महात्मा गांधी के करते हैं, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं, कहां से, साउथ अफ्रीका से। और ये जो 9 जनवरी है, इस दिन को हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं एज ए स्वदेशी, एज ए प्रवासी दिवस। एक चीज तो ये, जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, तो महात्मा गांधी रेडी नहीं होते कोई भी मास रिवोल्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि मैं पूरे इंडिया का चक्कर लगाऊंगा, भ्रमण करूंगा पूरे इंडिया को, देखूंगा कि क्या यहाँ के लोग तैयार भी हैं कोई मास रिवोल्ट करने के लिए, उसके बाद मास रिवोल्ट करेंगे जिसमें पूरे इंडिया के लोग साथ आएंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। बट इंडिया में मास रिवोल्ट करने से पहले महात्मा गांधी 3 छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से सबसे पहले का नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी का पहला फर्स्ट सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट था, हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने कहां किया था, चंपारण में। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था चंपारण बिहार। उसके बाद महात्मा गांधी का जो सेकंड रहेगा वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये रहेगा 1918 में, यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक की थी। थर्ड रहेगा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है, ये गुजरात में रहेगा, और ये महात्मा गांधी का पहला फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहेगा, ये महात्मा गांधी का फर्स्ट
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं तीन चीजें बता दी आपको। महात्मा गांधी ने इंडिया में इंडिविजुअल लेवल पे पहला कौन सा मूवमेंट किया था? चंपारण सत्याग्रह 1970 में, डेट याद रखिएगा। कहाँ पे होता? बिहार में। दूसरा था अहमदाबाद मिनी स्ट्राइक 1918, और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। वैसे तो माउंटबेटन जो थे वो तो वाइस रॉय थे, ये लास्ट इंडिया के वाइस रॉय थे। 1947 में देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने कहा माउंटबेटन से कि माउंटबेटन साहब आप रुकिए इंडिया में, आप इंडिया में रुकिए। तो ये इंडिया में कुछ समय तक रुकते हैं। तो जब इंडिया में आजाद, इंडिया आजाद हो चुका है, तो कुछ समय तक इन्हें बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का पहला गवर्नर जनरल। तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया के किसी इंडियन बंदे को क्या गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो आंसर है यस। इंडिया के फर्स्ट इंडियन, पहले और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल बने थे, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ये कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद 1950 में हमने ये क्या किया, ये गवर्नर जनरल की पोजीशन को अबॉलिश कर दिया। तो उसके बाद से इंडिया में प्रेजिडेंटशिप स्टार्ट होगी। तो इंडिया के जो पहले प्रेजिडेंट बनते हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे पूछा था कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपने आंसर देना लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी? तो ये इसका आंसर था अमृतसर। और जलियांवाला बाग के बारे में कुछ बताना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, किसने किया था, सारी चीजें। मैसेकर जो है, अब जलियांवाला बाग जो मैसेकर है, बेसिकली होता क्या है कि इंडिया में उस टाइम पे एक कानून आता है, जो उस कानून में यहाँ पे थोड़ी डिटेल ऐड कर दी है। उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। तो रॉलेट एक्ट में ये कहा गया था जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज करेगा या फिर कोई टेररिज्म फैलाएगा देश में, तो उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा। अरेस्ट करने के, जब अरेस्ट किया जाएगा तो आप पे कोई ट्रायल नहीं चलेगा, मतलब कि आपको, आप कोर्ट में अपने को डिफेंड नहीं कर पाओगे, 2 सालों के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये तो बड़ा ही अपने आप में, आप देखिए कि बड़ा हीनियस क्राइम है, आपसे आपकी आपकी राइट छीनी जा रही है। तो इसके विरोध में इंडिया में हड़ताल होती है, स्ट्राइक कर दी जाती है। तो पूरे इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेरी लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह लोगों को लगता है कि भाई ये रॉलेट तो बड़ा गलत एक्ट है। तो जब यही इसी रॉलेट एक्ट के अंडर ही जब प्रोटेस्ट चल रहा होता है, तो पंजाब के दो लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक लीडर का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे लीडर का नाम है डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन, ठीक है, और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब इनको अरेस्ट करने के बाद लोगों से भी रिएक्शन आएगा, तो लोग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन लास्ट नंबर में इकट्ठे होते हैं, कहां पे? जलियांवाला बाग में। एक तो बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में क्या, प्रोटेस्ट करने के लिए। साइलेंट प्रोटेस्ट था, अनआर्म्ड लोग थे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तभी वहां पे ब्रिगेडियर जनरल रेग्नेल डायर करके ये जो पर्सन है, ये वहां पे आएंगे और वहां पे गोलियां चलाना शुरू करते हैं इनोसेंट लोगों पर, जिसमें काफी लोग हमारे मारे जाएंगे। अब बच्चों को ज्यादातर क्या लगता है कि ये जो जनरल था रेग्नेल डायर, ये जनरल डायर उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था या मसैकर हो रहा था, तो वहां पे आपको दो जनरल डायर के नाम सुने सुनने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे एक था मिशेलो डायर, जो मिशेलो डायर था वो पंजाब का गवर्नर था उस टाइम पे, और ब्रिगेडियर जनरल रेग्नेल डायर जो था ये उस टाइम पे ब्रिगेडियर था, इसने गोलियां चलाई थी एक्चुअली। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ब्रिगेडियर जनरल रेग्नेल डायर है, इसने हम इंडियंस को मारा, और उसके बाद ये चला गया ब्रिटेन में वापस, और ब्रिटेन में इसकी नेचुरल डेथ होगी, इसकी डेथ हो जाती है। बट उधम सिंह का भी तो एपिसोड है, उधम सिंह ने भी बदला लिया था जलियांवाला बाग का। तो उधम सिंह ने जिसको मारा था उसका नाम था मिशेल ओडायर, वो ये रेग्नेल डायर नहीं था जिसने गोली चलाई, वो मिशेल ओडायर था जिसने ऑर्डर दिया होगा। तो मिशेल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था कॉक्सटन हॉल में 1940 के टाइम पे। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए जिन गोलियां किसने चलाई थी, तो ब्रिगेडियर जनरल रेग्नेल डायर ने, और उस टाइम पे पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था मिशेल ओडायर। ये दोनों डिफरेंट है। और जब इंडियंस पे गोलियां चलाई गई जलियांवाला बाग मसैकर के बाद, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी का नाम है हंटर कमीशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हंटर हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन में क्या था, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी ताकि ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने लोग मरे हैं, कि क्या जनरल डायर ने सही किया गलत किया, सारी चीजें होंगी चेक करने के लिए। और साथ में एक और याद चीज याद रखिएगा, जब जलियांवाला बाग मसैकर होता है, तो एज ए प्रोटेस्ट हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको एक टाइटल मिला था नाइटहुड का, यस सर का, वो वापस दे देते हैं। नेक्स्ट है,
हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? 1885 में कांग्रेस को कौन बनाता है? तो आंसर रहेगा यहाँ पे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने बनाई थी कांग्रेस 1885 में। अब कांग्रेस के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम थोड़ा सा डिटेल में नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है कांग्रेस के बारे में। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सबसे पहले बनी कब थी। ठीक है, सबसे पहले बनी कब थी? 1885 में। जब कांग्रेस बनेगी तो इसका पहला सेशन होगा, इसका पहला सेशन कहीं पे हेल्ड होगा, किस जगह पे हेल्ड हुआ? आपसे अगर पूछे तो आपने बोलना है बॉम्बे। इसका जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ, 72 लोगों ने इसे अटेंड किया था। और जब भी कोई भी कांग्रेस का सेशन होगा तो उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, तो पहले सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था उमेश चंद्र बैनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले कांग्रेस का जो पहला सेशन होना था, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो प्लान किया गया था पुणे में, पर पुणे में प्लेग फैल गया, तो प्लेग फैलने की वजह से इसका वेन्यू चेंज करके बॉम्बे बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ प्लान किया गया था। तो कांग्रेस का पहला सेशन पुणे में प्लान किया गया था, पर पुणे में प्लेग फैलने की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। बॉम्बे में एक जगह है, उसका नाम है तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, वहां पे इसका सेशन होता है। 72 लोग से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कांग्रेस के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस का कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट था? आंसर है यस। 1887 में बद्रुद्दीन तायब जी जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या कभी इंग्लिश प्रेसिडेंट बना था? आंसर यस। अलाहाबाद सेशन में 1888 में जॉर्ज यूल जो है ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट सेशन है वही दिए, सारे सेशन नहीं है इसमें, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन की यहाँ बात की है। 1906 में कोलकाता सेशन होता है, यहाँ पे दादाभाई नेहरू जी अनाउंस करते हैं कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है स्वराज, पहली बार स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के एजेंडे में। उसके बाद 1907 की बात करते हैं, सूरत सेशन, राज बिहारी घोष रहेंगे प्रेसिडेंट। तो पहली बार यहाँ पे क्या होता है सूरत सेशन में, कांग्रेस 200 में टूट जाती है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1911 का सेशन, तो 1911 का सेशन कलकत्ता में होता है जहां पे पहली बार इंडियन नेशनल एंथम जो है जनगणमन गाया जाएगा। नेक्स्ट 1917 का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता सेशन में एनी बसंत ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, पहली किसी फीमेल को मौका मिलता है कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का, तो वो एनी बसंत है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्योंकि एनी बसंत तो इंडियन थी नहीं, ये तो आयरलैंड से थी, अगर इंडियन वुमेन का पूछा जाए तो 1925 कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की, क्या कभी महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो आंसर है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यस। महात्मा गांधी कांग्रेस में सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे, वो था बेलगांव सेशन 1924। नेक्स्ट सेशन है 1929 का, लाहौर सेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, और ये लाहौर सेशन में पूरन स्वराज की कॉल देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पूरन स्वराज जो है वो कांग्रेस में कब ऐड किया गया था, मतलब कब कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था पूरन स्वराज का। तो इस सेशन में, लाहौर सेशन में कहा गया था कि हमें आजादी जब मिलेगी तब मिलेगी, बट हम लोग क्या करेंगे 1930 ऑनवर्ड्स हर साल 26 जनवरी को आजादी दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स अ रीजन कि हमें आजादी जो है वो तो 1947 में मिल गई 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त को तो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और 26 जनवरी को हम भूल ना जाए इसलिए हमने क्या किया, 26 जनवरी को याद रखने के लिए इतिहास में, क्योंकि अपने में इंपॉर्टेंट दिन था 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पहले से ही पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर कर दिया था, सर 26 जनवरी पहले से सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए हमने इस दिन को याद रखने के लिए रिपब्लिक डे का रूप दे दिया। चलिए नेक्स्ट जो सेशन है वो रहेगा कराची सेशन, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कराची सेशन जो था ये 1931 में होता है, वल्लभ भाई पटेल इसके हेड रहेंगे। इस सेशन में रेजोल्यूशन पास किया जाता है फंडामेंटल राइट्स पे और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सेशन है 1930, बात करते हैं यहाँ पे रहेगा, हाँ ये 1936 का फेसपोस सेशन, इसके हेड जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सेशन गांव में होता है, तो पहला कोई गांव में सेशन होने वाला यही है फेसपोस सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो हमारे दो बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक बार हरिपुर और त्रिपुरी, तो जिसमें हरिपुर सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये सेशन इंपॉर्टेंट है।
और 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑकर्ड इन विच ईयर, इंडिया का पार्टीशन कब हुआ था। इंडिया को पार्टीशन करिए, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाए गए थे, तो पार्टीशन 1947 होता है जब हमें आजादी मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए किन दो स्टेट्स को पार्टिसिपेट किया पार्टीशन किया गया था, एक वेस्ट हमारा जो बंगाल वाला इलाका वो वहां पार्टीशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और पंजाब वाला इलाका वो पाकिस्तान में चला जाता है, आधा पाकिस्तान के पास आधा इंडिया के पास। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के वो थे जवाहरलाल नेहरू। वेन द कांग्रेस सेशन वॉज प्रेजाइडेड थर्ड टाइम बाय वुमेन प्रेसिडेंट, वो कह रहा है कि कांग्रेस का जो सेशन था ऐसा कौन सा सेशन था कांग्रेस का जहां पे थर्ड टाइम किसी वुमेन को प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो इसका आंसर कलकत्ता सेशन। हमने दो बार तो भी पढ़ा कि दो बार कांग्रेस में सबसे पहले तो एनी बसंत बनी थी 1917 में और 1925 में सरोजिनी नायडू, और थर्ड टाइम भी फीमेल को मौका मिला था, उनका नाम था मिसेस नेली सेन गुप्ता। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि थर्ड वुमेन है जिनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है, नेली सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज इट लैक्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडियंस, व्हिच ईयर इट वाज फॉर्मड, तो साइमन कमीशन का इंडिया में बॉयकॉट होता है। अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन किस साल फॉर्म हुई थी, आंसर है 1928। साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे इस कमेटी में वो सब के सब ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सो दैट्स द रीजन इसका हमने इसका सारी जितने इंडिया में मेन पार्टीज थी उन्होंने सबने इसका बहिष्कार किया। अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन क्यों आई थी, तो साइमन कमीशन का मेन इंडिया में आने का रीजन ये था कि 1919 में कानून आया था, 1919 में कानून आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। उस कानून में लिखा गया था कि 10 साल के बाद एक हम रिव्यू कमेटी बिठाएंगे जो ये चेक करेगी कि ये 1919 के कानून से क्या इंडियंस की हालात में सुधार हुए या नहीं हुए। बट इस जो कमेटी है, जब इस कमेटी को फॉर्म किया गया, इस कमीशन को जब फॉर्म किया गया तो उसमें किसी भी इंडियंस को नहीं डाला गया। अगर आप इंडियन इंडियन लोगों के हालात को जानना चाहते हो, इंडियंस को इससे कानून से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो कम से कम इंडियन से तो पूछोगे ना, तो इसमें कोई इंडियन नहीं था, सो दैट्स द रीजन साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। यहाँ पे एक और चीज जानना बड़ा जरूरी है, जब साइमन कमीशन का इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय, जो हमारे लाला लाजपत राय है, लाजपत राय साहब ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के टाइम पे। लाला लाजपत राय के सर पे एक लाठी लगती है तो इनकी डेथ हो जाती है, तो जिसका बदला इनकी जो डेथ होती है उसका बदला कौन लेगा, भगत सिंह लेगा, भगत सिंह लेगा। उस टाइम पे एक इंस्पेक्टर होगा सॉन्डर्स करके उसे मार के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द डांडी मार्च। द डांडी मार्च ऑल्सो नोन एज साल्ट मार्च वॉज लेड बाय, इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डांडी मार्च कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर है 12 मार्च स्टार्ट होता है। तो 12 मार्च से स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी पैदल डांडी से, सॉरी महात्मा गांधी साबरमती से, साबरमती एक जगह है साबरमती आश्रम गुजरात में, वहां से डांडी जाएंगे बाय फुट। ठीक है, तो नियर अबाउट महात्मा गांधी 390 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाएंगे। और डांडी पहुंचने पर क्या करेंगे, डांडी पहुंचने पर वहां पे नमक बनाएंगे और जिससे नमक कानून टूट जाएगा। तो बेसिकली महात्मा गांधी करना नहीं चाहते हैं, महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए साल्ट मार्च भी कहते हैं इसे। अब हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने हम पे काफी कानून लगा दिए थे, काफी ज्यादा टैक्स लगा दिए कि आप नमक नहीं बना सकते, इवन जो लोग कोस्टली एरियाज में रहते थे उन्हें भी नमक बनाने से रोका गया। अब नमक ऐसी चीज है, नमक तो फीमेल्स भी यूज करती हैं, मेल भी यूज करते हैं नमक, हिंदू मुस्लिम सब यूज करते हैं, तो इस दैट्स द रीजन महात्मा गांधी को लगा कि ये ऐसी चीज है जिसपे टैक्स लगने से सब पे फर्क पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर जो होगा वो तो फीमेल्स पे होगा। तो दैट्स द रीजन इस जो मूवमेंट थी साल्ट सत्याग्रह, इसमें काफी फीमेल्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रॉलेट एक्ट वॉज पास इन विच ईयर, तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पास होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ सिडनी रॉलेट थे, तो सिडनी रॉलेट ने इस कानून को, इस कमेटी में थे सिडनी रॉलेट, तो उसमें कहा गया था कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज करेगा या टेररिज्म फैलाएगा तो उसे इस कानून के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसमें जो जो टर्म थी कितने सालों के लिए रखा जाएगा जेल के अंदर, वो है 2 साल। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसकी बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शन इन विच ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 साल में कब टूटती है हमने अभी देखा था 1917। इसका आंसर है सूरत सेशन, कई बार सेशन भी पूछ लिया जाता है तो सूरत सेशन रहेगा 1907 का। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो इसमें रहेंगे रास बिहारी बोस, इसके प्रेसिडेंट रहेंगे उसमें। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बिगन फ्रॉम विच इंडियन सिटी, तो इसका आंसर है मेरठ। 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत मेरठ से होती है। अगर आपसे पूछा जाए जिस टाइम पर 1857 की क्रांति हो रही थी तो इंडिया के उस टाइम पे लास्ट जो मुगल थे उनका नाम क्या था, या फिर इसके लीडर पूछ रहे हैं, तो उसका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर।
तो मैं यहाँ पे जफर की बात कर देता हूँ। जफर उनका नाम था बहादुर शाह टू बेसिकली, पर वो अपने नाम के साथ जफर लगाते थे, बहादुर शाह जफर। तो अगर आपसे पूछा जाए जफर क्या चीज है, जफर उनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब हुआ कि जब कई लोग होते हैं ना कि कुछ कविताएं कुछ पोइम्स लिखते हैं तो नीचे अपना ओरिजिनल नाम लिखते हैं, एक ऐसे ही कोई फिक्शियस नाम लिख देते हैं, तो इनका जो पेन नेम था जफर था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। 10 लोग हैं इनकलाब जिंदाबाद वॉज गिवन बाय द फ्रीडम फाइटर, तो उसका आंसर है भगत सिंह। अगर मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करता हूँ, सुभाष चंद्र जी ने कहा था जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इनके कुछ स्लोगन्स हैं। और साथ में एक और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा था। अगर मैं बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक का एक स्लोगन है जिसमें कहा गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और बात करते हैं तरानी झांसी रेजिमेंट वॉज ए पार्ट ऑफ विच ऑर्गनाइजेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, तो इसका आंसर रहेगा इंडियन नेशनल आर्मी। अब ये जो रानी झांसी रेजिमेंट है ये बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी का ही पार्ट था, इसमें ये फीमेल रेजिमेंट है, इसमें सबके सब फीमेल्स थी, तो फीमेल की रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट। अब इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी जो है इस ये जो ब्रेन चाइल्ड इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का जो आइडिया था वो बेसिकली था मोहन सिंह का, इन्हें कैप्टन मोहन सिंह कहते हैं, कैप्टन मोहन सिंह 1942। तो जो आइडिया था मोहन सिंह का था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है जो भी युद्ध बंदी हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, जो भी युद्ध बंदी इंडियंस हैं जो ब्रिटिश के साथ मिलकर लड़ रहे हैं दूसरी फोर्सेस के साथ जो ब्रिटिश अगेंस्ट हैं, तो उनको हम इकट्ठा करके अपनी सेना बनाते हैं, तो उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा गया था। प्रिजनर्स ऑफ वॉर की सेना थी, नियर अबाउट 50,000 सोल्जर्स थे, तो ये इनके हेड मोहन सिंह थे। तो बाद में 1943 में क्या हुआ, 1943 में इसे इन सारे सोल्जर्स को सौंप दिया गया था इनके अंडर, सुभाष चंद्र बोस के अंडर, ठीक है। तो वो बनती है इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच स्टेट, उसका आंसर था हमने पहले पढ़ा था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट बात करते हैं द अगस्त ऑफर बाय विच ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर, अगस्त ऑफर जो है वो कब अनाउंस किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा अगस्त ऑफर अनाउंस किया था 1940 में। अगस्त ऑफर में क्या हो क्या रहा है, बेसिकली अगस्त ऑफर क्या चीज है। अब यहाँ पे चीज समझते हैं कि 1939 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर जो है टू स्टार्ट हो चुकी है। अब वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन सोल्जर्स ब्रिटेन में जाएं और लड़े उनकी तरफ से, और साथ में इंडियन से भी सपोर्ट की मांग कर रहे थे, वो चाहते थे इंडियंस भी उनका साथ दें इस लड़ाई में। बट इंडिया की सपोर्ट लेने के लिए इंडिया कुछ ऑफर भी तो करना पड़ेगा, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम एक ऑफर दी थी, उनका एक वाइस रॉय थे उस टाइम पे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगस्त ऑफर के टाइम पे इंडिया के वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन्होंने हमें ऑफर दिया कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हो, अगर आप इंडियंस को इंडियन सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स की लड़ाई में, तो हम क्या करेंगे, हम वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और एक्सपैंड करेंगे। मतलब ये हुआ कि इंडियंस को भी वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम जगह देंगे और साथ में हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उसके बाद जैसे लड़ाई खत्म होगी हमारी, लड़ाई खत्म होने के बाद हम आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, अपना संविधान बनाना। बट इंडियंस का कहना था कि सर लड़ाई के बाद आपकी क्या हालत होगी नोबडी नोस, लड़ाई खत्म होने के बाद आप रहो ना रहो हमें तो पता नहीं है, आप उससे पहले हमें कुछ सब्सटेंशियल कुछ चीज कुछ पावर तो दो। अल्टीमेटली ये चीज ये जो हमें जो एक्सपेक्टेड था जो हम चाह रहे थे इनसे वो तो इन्होंने हमें दिया नहीं, सो अल्टीमेटली ये जो अगस्त ऑफर था ये फेल हो जाता है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हु कॉइंड द टर्म स्वराज। अच्छा एक और चीज, जब भी ये जो अगस्त ऑफर आते हैं या फिर कोई भी ऑफर होगा या कोई भी एग्रीमेंट होगा, तो मेक श्योर आपके आपको उसके मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। समटाइम्स उसे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि ये पॉइंट उसमें था या नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु कॉइंड द टर्म स्वराज, तो स्वराज वर्ड जो पहली बार यूज किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था यहाँ पे। तो चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू विच इशू, जैसे हमने पढ़ा इंडिगो प्लांटेशन से। नेक्स्ट है हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1885 इन दिस सिटी, कांग्रेस का पहला सेशन कहां पे होता है, बॉम्बे में। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर भीम अम्बेडकर एंड विच लीडर, इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो जेल में साइन हुआ था, तो उस क्योंकि जब पूना पैक्ट साइन होता है तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जो है वो जेल में होंगे, तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा इसे पूना पैक्ट कहा गया 1932 में, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जेल में थे, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इस एग्रीमेंट में होता क्या है कि जो ब्रिटेन का एक उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड ने एक उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट इशू किए थे, ये कॉमनल अवार्ड्स जिन्हें कहते हैं, उसमें ये कहा गया था कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं हम उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, कॉमनल अवार्ड दे रहे हैं।
महात्मा गांधी कहना था कि अगर डिप्रेस क्लासेस या लोअर कास्ट जो है वो कॉमनल अवार्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हिंदुज्म जो है, हिंदू जो बेसिक हिंदू कम्युनिटी है उसमें डिविजन आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट्स अ रीजन वो डॉक्टर अम्बेडकर को कन्विंस करते हैं। तो एंड ऑफ द डे डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो मान जाते हैं कि जितने भी डिप्रेस क्लासेस हैं, लोअर कास्ट हैं, वो इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस पैक्ट को कहा गया पूना पैक्ट। नेक्स्ट है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट। तो इसका आंसर रहेगा फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। जल्दी से थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 1942 में स्टार्ट होता है। तो इसमें होगा क्या कि क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन, 1942 के टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर टू है वो अपने पीक पर होगी। ब्रिटिशर्स का काफी बुरा हाल हो चुका है और ब्रिटिश के जो कुछ एरियाज हैं बर्बाद हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स पर काफी प्रेशर पड़ रहा है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर भी है और जो फ्रेंडली कंट्रीज उनका प्रेशर है। तो इसलिए वो एक पर्सन को इंडिया भेजते हैं, अपने एक सीनियर मिनिस्टर को इंडिया भेजते हैं, जिनका नाम है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो घिसा पिटा जो राग है वो फिर से इंडिया में अलापेंगे। फिर से वो बोलेंगे कि जब हम आजाद, जब हाँ लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम आपको क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। बट उस टाइम पे 1942 का टाइम चल रहा है, हमारी ये डिमांड थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए, हमें कंप्लीट आजादी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो हमें ऑफर दिया था वो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर तो हमारी बात सुन नहीं रहे थे, वो हमारे से मजाक कर रहे हैं बार बार, वो घिसी पिटी बार बार वो पुरानी चीजें ही हमें ऑफर कर रहे हैं। सो इसके रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और साथ में एक स्लोगन दिया था, डू आर डाई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, अगर आपसे पूछा जाए डू आर डाई महात्मा गांधी ने कब स्लोगन दिया था, तो आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। महात्मा गांधी का कहना था कि हम अब आजादी लेके मरेंगे या लेते हुए मरेंगे, आजादी की जो प्रोसेस है उसमें हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो एंड ऑफ द डे अब वक्त आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, पर मैंने बता दिया वहां पे सोहन सिंह जिनका ब्रेन चाइल्ड था, जिन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, द रॉलेट एक्ट वॉज पास इन विच ईयर। तो रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में। तो रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। रॉलेट एक्ट में क्या होगा कि इंसान की लिबर्टी से छीन रहे थे और जब भी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज होंगी तो उस पर्सन को जेल में डाल दिया जाएगा 2 सालों के लिए और उस पर कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने इस कानून को ब्लैक एक्ट कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 लेड बाय महात्मा गांधी टू सस्पेंड विच मूवमेंट। तो कह रहा है चोरी चोरा ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ था, ऐसा कौन सा मूवमेंट था जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, हमें बंद करना पड़ा, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में महात्मा गांधी पहला फर्स्ट फर्स्ट मास मूवमेंट चलाते हैं इंडिया में, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा गया, इसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इस मूवमेंट में क्या था, इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, हमें बॉयकॉट करना चाहिए, हमें ब्रिटिश के साथ किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं करना है। तो ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल था, पूरे इंडिया में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर कम्युनिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फीमेल्स ने, मेल्स ने, बच्चों ने, सबने पार्टिसिपेट किया। काफी अच्छा मूवमेंट चला था, ऐसा लग रहा था महात्मा गांधी का कहना कि अगर ये मूवमेंट 2 साल तक चलता रहेगा तो हमें पूर्ण आजादी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बट महात्मा गांधी ने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया था कि इसमें किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ये नॉन वायलेंट रहना चाहिए पूरा मूवमेंट। बट चोरी चोरा एक गोरखपुर में जगह है, छोटा सा एरिया, वहां पे कुछ लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। तो आग जैसे आग लगाते हैं पुलिस स्टेशन में तो कुछ वायलेंस हो जाती है, तो 15 से 20 पुलिस वाले वहां पे मारे जाएंगे। जैसे ये बात महात्मा गांधी को पता लगती है तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो यह है चोरी चोरा इंसिडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चोरी चोरा जो इंसिडेंट है, चोरी चोरा इंसिडेंट का मेन मेन पर्सन कौन है, मेन लीडर कौन थे, तो उनका नाम था भगवान अहियर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भगवान अहियर जो है ये मेन पर्सन थे चोरी चोरा इंसिडेंट के। सो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को और लंबा किया जाए, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।